नमस्ते साथियों, STET अर्थात बिहार स्टेट TET एग्ज़ाम्स 2023 के लिए आपके बीच जो हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन सीरीज लेकर आए हैं, जो कि 15 सितंबर 2020 को सेकेंड शिफ्ट में जो है सोशल साइंस पेपर 1 के पूछे गए सवाल हैं। देखते हैं विभिन्न प्रश्नों को। पहला सवाल है, क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग होता है, तो क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों का प्रयोग जो है कहाँ पर होता है, तो अपनी कार्य प्रणाली के सुधार में करते हैं। सामाजिक रचनावाद दिया था, तो सामाजिक रचनावाद का जो है नियम वायगोत्स्की के द्वारा दिया गया था। अवलोकन अधिगम का सिद्धांत है, किसने दिया था? अवलोकन अधिगम का सिद्धांत जो है बांडोरा के द्वारा दिया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक शिक्षण के स्तर का भाग नहीं है? तो शिक्षण के स्तर के भाग स्मरण है, समझ है, विस्तार है, परावृत्ति नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे पहले आनी चाहिए? तो शिक्षण प्रक्रिया में जो है सबसे पहले आना चाहिए दिए गए विकल्प में, तो यह हो जाएगा उद्देश्यों का जो है निरूपण। भारत के प्रथम तैरते हुए लोकटक नामक प्राथमिक विद्यालय का उद्घाटन कहाँ पर हुआ? हालांकि लोकटक झील भी जो है कहाँ पर है? मणिपुर में ही है। तैरता हुआ अभ्यारण्य भी जो है काबुल लाम जाओ मणिपुर में ही है। विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार जो है किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? कि विकास एक कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, तो यह हो जाएगा निरंतरता का सिद्धांत। निम्न में से शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक कौन है? तो शिक्षण के संज्ञानात्मक सिद्धांत के मुख्य प्रस्तावक तो यह हो जाएगा NL गेज। प्रेरणा सीखने की प्रक्रिया में, प्रेरणा जो है सीखने की प्रक्रिया में युवा सीखने वालों में सीखने के लिए रुचि उत्पन्न करना। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है। अधिगम अनुभव और प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप व्यवहार में परिवर्तन है, यह कथन किनके द्वारा दिया गया है? तो यह गेट्स व अन्य के द्वारा दिया गया है। अपनी कक्षा के प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के लिए शिक्षक को जो है संवर्धन कार्यक्रमों की व्यवस्था करनी चाहिए। शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्यों को पूरा करने के लिए पाठ्यक्रम में किस पर जोर दिया जाना चाहिए? तो शिक्षण के क्रियात्मक उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो है पाठ्यक्रम में क्रिया एवं प्रयोग पर जो है बल दिया जाना चाहिए। छात्रों के लिए कौन सी विशेषता सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? छात्रों के लिए तो यह हो जाएगा स्वतंत्र चिंतन। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कक्षा शिक्षण में विषय वस्तु को सरल ढंग से प्रस्तुत करने के नियमों के लिए प्रयुक्त किया जाता है? तो यह हो जाएगा शिक्षण सिद्धांत। निम्न में विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए कौन सा दृष्टिकोण सबसे उपयुक्त है? तो विद्यार्थियों को प्रेरित करने के लिए सबसे उपयुक्त दृष्टिकोण कौन सा हो जाएगा? तो उचित पुरस्कार देना। अगले प्रश्नों को देखें। निम्न में से किन्हें हम मनोविश्लेषण के पिता के रूप में जानते हैं? मनोविश्लेषण के पिता जो है ब्रूनर साहब को, ये जो है मनोविश्लेषण के पिता किसे कहते हैं? फ्रायड को कहा जाता है, फ्रायड को। अगले प्रश्नों को देखें। एक शिक्षक को बच्चों को सिखाते समय निम्न में से किस पर ध्यान देना चाहिए? एक शिक्षक को जो है बच्चों को सिखाते समय जो है कक्षा का आकार, शिक्षण पद्धति एवं निर्देशन और बालकों का वर्गीकरण, ये सभी पर जो है ध्यान देना चाहिए। सहयोगी कक्षा के लिए कौन सा कथन सही है? तो सहयोगी कक्षा के लिए जो है छात्रों को विचारों की प्रस्तुति तथा स्वतंत्रता पूर्वक एक दूसरे से चर्चा करने के अवसर देना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प शिक्षक को कम शिक्षार्थी वाली कक्षा में शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने के लिए प्रयोग में लाना जो है
चाहिए। तो यह हो जाएगा अधिगम संबंधी समस्याओं की पहचान करना, छात्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देना और अनुदेशन को छात्रों के बीच की विभिन्नताओं को ध्यान में रखकर बनाना, ये सभी हो जाएगा। सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया, तो सीखने की अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रोत्साहित किया गया तो ये हो जाएगा गेस्टाल्ट सिद्धांतकारों के द्वारा। बच्चे के संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान क्या है, तो ये हो जाएगा विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। निम्न में से कौन सी एक धीमी गति से सीखने वाले छात्र की विशेषता नहीं है, धीमी गति से सीखने वाले छात्र की जो है विशेषता अमूर्त सोच नहीं होती है। निम्न में से प्रवृत्ति अवधारणा कौशल ज्ञान आदि को किसका परिणाम कहा जा सकता है, इन सबों को जो है अधिगम का ही परिणाम कहा जाता है। एक सफल शिक्षक वही होता है जो, तो एक सफल शिक्षक वही होता है जो अपने विषय को अच्छी तरह से जानता हो। अगले प्रश्नों को देखें, UNCRPD संबंधित है किससे, तो ये संबंधित हो जाएगा विशिष्ट आवश्यकता वाले बालकों से संबंधित है UNCRPD। शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए, तो शिक्षा का उद्देश्य जो है कैसा होना चाहिए, व्यवहारिक जीवन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना। मनोवैज्ञानिक विद्यालय निम्न में से क्या कार्य करते हैं, तो मनोवैज्ञानिक विद्यालय जो हैं वो कौन सा कार्य करते हैं, तो नियंत्रण निर्देशन और अध्यापन, ये सभी कार्य करते हैं। मनोविज्ञान के इतिहास में सबसे पहली पाठ्यपुस्तक निम्नलिखित में से किसने लिखी थी, मनोविज्ञान के इतिहास में, तो सबसे पहले विकल्प में है ही नहीं, तो आंसर जो है अपर्याप्त है। निम्नलिखित में से किस प्रकार का परीक्षण प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त है, तो किस प्रकार का परीक्षण जो है प्रभावी स्मरण शक्ति के लिए सबसे उपयुक्त, तो ये हो जाएगा एकाधिक विकल्प और दूसरा हो जाएगा रिक्त स्थानों की पूर्ति, यानी कि डी हो जाएगा, बी और सी दोनों। निम्नलिखित ये जो है मैथ का प्रश्न आ गया है, देखते हैं अगले प्रश्न को देखें। अगले सेक्शन के जो है प्रश्नों को देखते हैं, पॉलिटिकल साइंस आया हुआ है अगले सेक्शन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को बाल श्रम निषेध संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जो है घोषित किया गया है, तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 24 के तहत जो है घोषित किया गया है। संविधान की 8वीं अनुसूची में किस भाषा को संवैधानिक मान्यता अब तक नहीं दी गई है, तो 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है लेकिन भोजपुरी को उसमें जो है शामिल नहीं किया गया है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की औपचारिक गठन कब हुई थी, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी 1925 में हुई थी। पहली बार EVM का प्रयोग कर भारत में चुनाव किस राज्य में संपन्न कराया गया था, तो पहली बार जो है केरल राज्य में जो है कराया गया था। केंद्र राज्य संबंध की समीक्षा के लिए वर्ष 2007 में एक आयोग का गठन किया गया था और वो नाम है MA पुंछी आयोग। भारत का वर्तमान में राष्ट्रीय खेल, भारत पाकिस्तान का जो है राष्ट्रीय खेल क्या है, तो वो हॉकी है, हॉकी। अगले प्रश्न को देखें, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्थापना किन उद्देश्यों या स्वरूप में की गई थी, तो ये हो जाएगा केंद्र राज्य की जो है योजना आयोग के लिए की गई थी। नीति आयोग के प्रथम अध्यक्ष तो थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्योंकि स्थापना हुआ था 2015 ईस्वी में, और प्रथम उपाध्यक्ष अरविंद पनगढ़िया थे, विकल्प सी हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय अनुच्छेद 61 के तहत अपना त्यागपत्र किसे समर्पित, यानी भारत का राष्ट्रपति जो है अनुच्छेद 61 के तहत अपना त्यागपत्र, तो ये उपराष्ट्रपति को देते हैं। अगले प्रश्नों को देखें,
भारत की संघीय व्यवस्था के आधारभूत तत्व हैं। तो भारत के संघीय व्यवस्था का आधारभूत तत्व जो है संविधान की सर्वोच्चता, एकल नागरिकता और संप्रभुता, ये सभी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। सर्वप्रथम किस देश में महिलाओं को मताधिकार दिया गया? तो महिलाओं को जो है मत देने का अधिकार सबसे पहले न्यूजीलैंड में दिया गया था। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनः विचार हेतु लौटा नहीं सकता है? पुनः विचार के लिए राष्ट्रपति लौटा नहीं सकता है और वह विधेयक धन विधेयक है जो केवल लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाता है। पंचायती राज का पिता किस देश में किसे कहा जाता है? पंचायती राज का जनक या पिता जो है बलवंत राय मेहता समिति को कहा जाता है, जो कि 1957 में आया था और इन्होंने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था। बिहार में वर्तमान विधानसभा अध्यक्ष कौन है? तो वर्तमान में हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। न्यायपालिका संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है? न्यायपालिका जो है संविधान के प्रतिकूल विधि को निरस्त घोषित कर सकती है, इसे हम कहते हैं, तो ये इसे जो हम न्यायिक पुनरावलोकन कहते हैं। सदन में किसी बैठक के लिए गणपूर्ति जो है अध्यक्ष सहित कुल सदस्यों की संख्या जो है 1/10 होना चाहिए। अगले प्रश्न को देखें। मूल कर्तव्य संविधान में जोड़ा गया 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी में। वर्तमान में 11 मूल कर्तव्य हैं, भाग 4 के क और अनुच्छेद 51 के क में जो है इसका उल्लेख किया गया है। भारत के 29वें राज्य के अस्तित्व में आने के बाद उस राज्य की राजधानी कहाँ वर्तमान में बनाई गई है? तो तेलंगाना की राजधानी क्या हो जाएगी? हैदराबाद। और आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय नागरिकता का अंत निम्न में से किस विधियों से होता है? तो नागरिकता अगर अंत करना हो भारत का तो त्याग भी कर सकते हैं, किसी अन्य देश की नागरिकता ग्रहण कर सकते हैं तो भी चला जाएगा, और छीन सरकार द्वारा छीन लिया जाएगा तो भी जो है आपका नागरिकता चला जाएगा। 17वीं लोकसभा में कुल सांसद सदस्यों की संख्या कितनी थी? 17वीं लोकसभा चुनाव जो हुआ था उसमें हो जाएगा 543, क्योंकि दो जो है एंग्लो इंडियन होते हैं जो कि। अगले प्रश्नों को देखें। राज्यसभा में बिहार के कितने सीट हैं? तो बिहार के 16 सीट जो है राज्यसभा के लिए हैं। किसी व्यक्ति को विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अतिरिक्त उसके जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार से वंचित नहीं किया जा सकता है, यह संविधान का अनुच्छेद 21 में जो है दिया गया है। अगले प्रश्नों को देखें। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य जो है सोवियत संघ रूस के संविधान से ग्रहण किया गया है। संविधान के भाग 3 में क्या है मूल अधिकार का उल्लेख है? अनुच्छेद 12-35 जो कि अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। वर्तमान संविधान का मूल आधार क्या है? तो वर्तमान संविधान का जो मूल अधिकार यह भारत शासन अधिनियम 1935 हो जाएगा। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद थे और संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। संविधान में वर्णित लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो लोक लेखा समिति में जो है 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा के, 7 राज्यसभा के। संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी, इसका उल्लेख जो है अनुच्छेद 343 में किया गया है। लोकसभा सदस्य होने के लिए न्यूनतम उम्र जो है 25 वर्ष लोकसभा विधानसभा, और राज्यसभा विधान परिषद के लिए 30 वर्ष, राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम 35 वर्ष। उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित जो है कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश कुल सहित जो है कुल 34 न्यायाधीश होते हैं, लेकिन विकल्प में है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल कितना समय का रहता है? मुख्य चुनाव आयुक्त का कार्यकाल जो है 6 वर्षों का होता है।
संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग का प्रावधान है? 280 के तहत जो है वित्त आयोग का प्रावधान है। पंचायती राज का शुभारंभ स्वतंत्र भारत में जो है 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था, राजस्थान के नागौर जिला से। मौलिक अधिकारों के रक्षक के रूप में कौन कार्य करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय कार्य करते हैं। भारत में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना जो है 1993 ईस्वी में की गई थी। अगले प्रश्नों को देखें। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? तो पटना उच्च न्यायालय की स्थापना जो है 1917 ईस्वी में हुई थी, 1916 में हुई थी, 1 मार्च 1916 ईस्वी को हुआ था। नागरिकों द्वारा अपने घरों दफ्तरों पर राष्ट्रीय ध्वज फहराना यह क्या है? तो ये जो है मौलिक अधिकार के ही श्रेणी में डाला गया है। विधान परिषद में सदस्यों की न्यूनतम संख्या, तो विधान परिषद में कम से कम 40 सदस्य होना अनिवार्य है। अगले प्रश्नों को देखें। संविधान सभा में बिहार के प्रतिनिधित्वकर्ता कौन थे? संविधान सभा में बिहार के प्रतिनिधित्वकर्ता तो जगजीवन राम भी थे, और उसके बाद जो है श्री कृष्ण वल्लभ सहाय भी थे। निम्नांकित में से किस देश में एक दलीय पद्धति है? भारत में तो बहुत दलीय पद्धति है, अमेरिका में द्विदलीय पद्धति है, और एक दलीय पद्धति जो है चाइना में हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब से प्रभावी हुआ? तो सूचना का अधिकार अधिनियम जो है 2005 ईस्वी से जो है प्रभावी हुआ था। भारतीय संविधान की 73वां संविधान संशोधन जो है पंचायती राज से संबंधित है, संवैधानिक दर्जा दिया गया, और 74वां हो जाएगा नगर पालिका से। शासन के विकेंद्रीकरण के लिए गठित आयोग निम्न में से कौन है? तो हो जाएगा बलवंत राय मेहता आयोग 1957। त्रिस्तरीय पंचायती राज का इन्होंने सुझाव दिया था। भारत ने हाल ही में रूस से निम्न में से कौन सी सामग्री प्राप्त करने समझौते में सफलता पाई है? तो ये उस समय की बात है, तो ये S-400 हो जाएगा। निम्न में कौन विजातीय है? विजातीय देखें इन तमामों में जो है तो ये हो जाएगा एस्कॉट मॉरिसन। अगले प्रश्न को देखें। बिहार पंचायती राज अधिनियम कब पारित हुआ? बिहार पंचायती राज अधिनियम जो है 2006 ईस्वी में पारित हुआ था। वर्तमान में श्रीलंका के राष्ट्रपति, तो वर्तमान में श्रीलंका का राष्ट्रपति है रानिल विक्रम सिंधे, लेकिन जब पूछा गया था उस समय था गोटबाया राजपक्षे। अगले प्रश्नों को देखें। शिव सागर राम गुलाम एक राजनीतिक व्यक्तित्व रहे थे, तो इनका किस देश से संबंध रहा था? शिव सागर राम गुलाम तो मॉरिशस से संबंध रहा था। भारत के वर्तमान जनगणना आयुक्त, चूँकि यह उस समय की बात थी जब यह पूछा गया था, तो उस समय कौन थे जनगणना आयुक्त? शैलेश थे। अगले प्रश्नों को देखें। ग्लोबल टाइम्स किस देश का समाचार पत्र है? तो ग्लोबल टाइम्स हो जाएगा पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना। अगले प्रश्नों को देखें। अब जो है हिस्ट्री के सेक्शन के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। चातुस्वर्ण समाज का कल्पना ऋग्वेद के जो है 10वें मंडल में किया गया है, जिसमें कि ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र था। प्राग ऐतिहासिक काल में चावल के अवशेष किस स्थल से प्राप्त हुआ था? तो चावल का अवशेष कोलडिहवा से प्राप्त हुआ था। सैंधव सभ्यता काल में सार्वजनिक स्नानाघर के अवशेष मिले थे कहाँ से? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए थे। वेदांगों की कुल संख्या, वेद 4 होते हैं, और वेद को भली भांति समझने के लिए जो है वेदांग 6 हैं। महापुराण जो है 18 हैं, उपपुराण 29 है, उपनिषद 108 हैं। पहिए का आविष्कार किस काल में हुआ था? तो पहिए का जो है आविष्कार तो ये हो जाएगा नवपाषाण काल में। नेचुरल हिस्ट्री पुस्तक जो है किल्के द्वारा, तो पिलेनी के द्वारा लिखा गया। 6वीं शताब्दी में द्वितीय जैन संगीति की आयोजन, प्रथम जैन संगीति हुआ था
स्थूलभद्र के अध्यक्षता में पाटलिपुत्र में, दूसरा बल्लभी गुजरात में हुआ था क्षमा सर्वन के अध्यक्षता में। बौद्ध धर्म के संस्थापक महात्मा बुद्ध के जन्म जो है 563 ईस्वी पूर्व में हुआ था और मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व में हुआ था। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखलीपुत्र गोसाल थे। अंकोरवाट का मंदिर जो है कहाँ है, तो ये कंबोडिया में है, सूर्य वर्मन द्वितीय के द्वारा बनवाया गया था। अगले प्रश्नों को देखें। इब्न बतूता को सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने दिल्ली का काजी नियुक्त किया था, वह कहाँ का रहने वाला था, तो इब्न बतूता मोरक्को का जो है रहने वाला था। अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध पर आक्रमण कब किया, तो अरब शासक मोहम्मद बिन कासिम ने जो है 712 ईस्वी में सिंध को जीत लिया था। सिंध पर उस समय दाहिर का शासन था। जैंदा अवेस्ता जो है किस धर्म का जो है धर्म ग्रंथ है, तो जैंदा अवेस्ता किस धर्म का हो जाएगा, पारसी धर्म का। पाटलिपुत्र को किस मगध शासक ने बसाया था, तो पाटलिपुत्र को जो है उदयन ने बसाया था और अपना राजधानी भी बनाया था। कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार राज्य के कितने अंग हैं, तो अर्थ कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार जो है राज्य के 7 अंग होते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था, तो चंद्रगुप्त मौर्य जो है सर्वन बेलगोला में 298 ईस्वी पूर्व में जो है उपवास के दौरान इनकी मृत्यु हुई थी। रामपुरवा स्तंभ लेख कहां अवस्थित है, तो ये चंपारण बिहार में जो है अवस्थित हैं। किस राजवंश का शासन मातृतंत्रात्मक ढांचे पर चलाया गया था, तो ये सातवाहन जो है मातृसत्तात्मक ढांचे पर चला था। विक्रम संवत का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था, तो विक्रम संवत का प्रारंभ जो है 58 ईस्वी पूर्व में हुआ था। इलाहाबाद प्रशस्ति का संबंध जो है हरिसेन से संबंधित है, रचनाकार हैं, और ये शासक समुद्रगुप्त से संबंधित है, लिखने वाले थे इलाहाबाद प्रशस्ति हरिसेन। अगले प्रश्न को देखें। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है कुमारगुप्त प्रथम ने, विक्रमशिला के धर्मपाल ने। महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण जो है पल्लव शासक जो है नरसिंह वर्मन प्रथम के द्वारा करवाया गया था, तो राइट आंसर जो है सी हो जाएगा। अगले प्रश्नों को देखें। घोड़ा दागने एवं सैनिकों को के होलिया लिखने की प्रथा की शुरुआत जो है अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा प्रारंभ किया गया था। तारीख ए फिरोज शाही पुस्तक के लेखक हैं जियाउद्दीन बरनी। अगले प्रश्न को देखें। संतनत काल में सैन्य विभाग के प्रमुख को क्या कहा जाता था, तो संतनत काल में सैन्य विभाग के प्रमुख को दीवान ए अर्ज कहा जाता था, जो कि बलबन के द्वारा बनाया गया था। विजयनगर साम्राज्य के शासक कौन नहीं थे, देखें विजयनगर साम्राज्य के देवराय थे मल्लिकार्जुन कृष्ण देवराय, ये जो हरदेव राय ये नहीं थे। कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है, तो कश्मीर का अकबर जो है जैनुल आबदीन को कहा जाता है। सूफी संत बख्तियार काकी किस सिलसिले से संबंधित थे, बख्तियार काकी जो है चिश्ती सिलसिले से संबंधित थे। अगले प्रश्न को देखें। मुगल काल में न्याय की जंजीर किस शासक से संबंधित था, तो न्याय का जंजीर जो है जहांगीर के द्वारा बनवाया गया था। सिखों के नौवे गुरु नहीं थे, सिखों के पांचवे गुरु जो थे अर्जुन देव थे, इनकी हत्या किसने किया, तो जहांगीर ने, और नौवे गुरु थे तेग बहादुर, उनकी हत्या जो है औरंगजेब के द्वारा की गई थी। शिवाजी के शासनकाल में एक प्रकार का कर लिया जाता था, तो वह था चौथ एवं सरदेश मुखी।
आधुनिक भारत के इतिहास में सहायक संधि की शुरुआत जो है लॉर्ड बेलेजली ने किया। अगले प्रश्नों को देखें। अंग्रेजी शासन के विरुद्ध सन्यासी विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? अंग्रेजी शासन के विरुद्ध जो है सन्यासी विद्रोह किनके द्वारा चलाया गया था? तो दर्जी नारायण के द्वारा। महात्मा गांधी द्वारा दांडी मार्च 12 मार्च 1930 को जो है चलाया गया था। बांकीपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था 1912 में, और ये जो है बांकीपुर पटना में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो है कब हुई? तो ये कंपनी की स्थापना की बात है, कब हुई थी? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1602 में। अगले प्रश्नों को देखें। सप्तवर्षीय युद्ध किन दो देशों के बीच लड़ा गया था 1756 से 63 के बीच? अंग्रेजी ये जो है इंग्लैंड और फ्रांस के बीच लड़ा गया था। सोशल कॉन्ट्रैक्ट, ये जो है सोशल कॉन्ट्रैक्ट रूसों के द्वारा लिखा गया था और कानून की आत्मा मॉन्टेस्क्यू ने लिखा था। स्वतंत्रता समानता मानवाधिकार को राष्ट्रीय पहचान सर्वप्रथम कब मिली थी? तो ये हो जाएगा फ्रांसीसी की राज्य क्रांति 1789 में। वर्षाय की संधि कब हुई थी? तो वर्षाय की संधि जो है 1919 ईस्वी में हुई थी। रक्त और लोह की नीति किसने अपनाई थी? तो बिस्मार्क ने जो है रक्त एवं लोह की नीति अपनाई थी। नई आर्थिक नीति 1921 में जो है इसके जन्मदाता लेनिन थे। अगले प्रश्न को देखें। चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी को किसने बिहार आमंत्रित किया था? तो राजकुमार शुक्ला ने जो है आमंत्रित किया, यहाँ पर रामचंद्र लिखा है, राजकुमार हो जाएगा राजकुमार शुक्ला। अगले प्रश्नों को देखें। नेहरू रिपोर्ट किस वर्ष प्रस्तुत किया गया था मोतीलाल नेहरू के द्वारा? 1928 ईस्वी में जो है प्रस्तुत किया गया था। ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? 1906 ईस्वी में सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ढाका में जो है स्थापित हुआ था। 1932 ईस्वी में पूना समझौता किसके बीच हुआ था? 24 सितंबर 1932 को गांधी जी और जो है अंबेडकर के बीच पूना समझौता हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किसने किया था? 1936 में हो स्वामी सजानंद सरस्वती ने किया था। अधिवेशन हुआ था कहाँ पे? 1936 लखनऊ में, अध्यक्षता भी किया था। अगले प्रश्नों को देखें। द पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया था, जिसमें कि धन निष्कासन के सिद्धांत को दिया था। सोवियत संघ का विघटन जो हुआ था वो 1991 ईस्वी में हुआ था। अगले प्रश्नों को देखें। मिरात उल अखबार पत्रिका के संपादक कौन थे? राजाराम मोहन राय थे। अब अगले सेक्शन जो है इकोनॉमिक्स अर्थशास्त्र के विभिन्न प्रश्नों को देखते हैं। बिहार की अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य अंग क्या है बिहार की अर्थव्यवस्था का? तो ये हो जाएगा कृषि है। बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व कौन सा है? बचत को प्रभावित करने वाले प्रमुख तत्व बचत करने की इच्छा, बचत करने की क्षमता और बचत करने की सुविधा, ये सभी हैं। भारत में सहकारिता आंदोलन का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? सहकारिता आंदोलन 1904 ईस्वी में प्रारंभ हुआ था। सर्व शिक्षा अभियान महत्वाकांक्षी योजना प्रारंभ की गई थी कब? तो ये जो है 2001 ईस्वी में प्रारंभ की गई थी। सरकार की नवीन आर्थिक नीति का अंग क्या है? तो नवीन आर्थिक नीति जो 1991 ईस्वी में अपनाया गया था उसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण LPG था। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया था? सन 1986 ईस्वी में पारित किया गया था। व्यापार, परिवहन, संचार, पर्यटन, स्वास्थ्य एवं बीमा जैसी क्रियाएं जो है यह अर्थ
व्यवस्था के किस क्षेत्र में आते हैं? तो यह हो जाएगा तृतीयक क्षेत्र यानी कि सेवा क्षेत्र में। निम्न में से किस कार्यक्रम के तहत व्यक्ति को एक वर्ष में 100 दिन रोजगार गारंटी किया जाता है दी जाती है? मनरेगा के तहत में। अगले प्रश्न को देखें। अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण निम्न में से कौन है? तो अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण तो यह हो जाएगा केंद्रीय उत्पाद शुल्क। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित भारत की कौन सी पंचवर्षीय योजना थी पहली? दूसरा हो जाएगा पीसी महन लोबिस मॉडल, तीसरा चक्रवर्ती मॉडल। भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड सेबी का मुख्यालय कहाँ है? सेबी स्थापना 1988 में हुआ था, मुंबई में मुख्यालय है। हाल ही में सार्वजनिक क्षेत्र की इलाहाबाद बैंक का विलय किस राष्ट्रीय बैंक में कर दिया, यानी इलाहाबाद बैंक का जो है विलय कर दिया गया है इंडियन बैंक में। ड जोन्स किस देश का शेयर सूचकांक है? ड जोन्स तो ये हो जाएगा न्यूयॉर्क यानी अमेरिका का है। इंडियन सिक्योरिटी प्रेस निम्न में से किसका मुद्रण नहीं करता है? जो कि नासिक में है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस जो है, यहाँ पर देखें तो डाक टिकट, पासपोर्ट, 500 रुपये के मूल्य के वर्ग के नोट, यह राष्ट्रीय बचत पत्र का जो है नहीं करता है मुद्रण। वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक के लेखक कौन हैं? तो एडम स्मिथ, जो कि अर्थशास्त्र के पिता माने जाते हैं। मुस्लिमों की सामाजिक, आर्थिक व शैक्षणिक स्थिति का अध्ययन हेतु गठित समिति कौन सा था? तो यह समिति हो जाएगा राजेंद्र सच्चर समिति, सच्चर। हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स औषधि अनुसंधान उत्प्लावन की राष्ट्रीयकृत संस्था है, यह कहाँ अवस्थित है? तो यह हो जाएगा पिंपरी में जो है, पिंपरी में अवस्थित है। भारत सरकार द्वारा मिशन इंद्रधनुष प्रारंभ किया गया, इसका संबंध जो है मिशन इंद्रधनुष का संबंध टीकाकरण से है। भारतीय मुद्रा पर निम्न में से कौन से चित्र पृष्ठ भाग पर अंकित नहीं है? भारतीय मुद्रा पर कौन सा चित्र जो है प्रस्तुत नहीं है? ये सभी चित्र जो है प्रस्तुत ही हैं, सांची स्तूप, एलोरा, रानी की बाब और मंगलयान। भारत के वर्तमान रिजर्व बैंक इंडिया के गवर्नर तो उस समय से ही शक्तिकांत दास जो है वर्तमान में भी हैं। अगले प्रश्नों को देखें। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार पुरुषों एवं स्त्रियों दोनों में प्रतिशत साक्षरता किस राज्य में न्यूनतम है? तो दोनों में जो है बिहार में जो है न्यूनतम है पुरुष और महिलाओं में, और सर्वाधिक दोनों में जो है केरला में है। भारत में सीमांत कृषि भूमि जोत का आकार क्या है? तो सीमांत कृषि जोत भूमि का आकार जो है भारत में एक हेक्टेयर से जो है कम है। राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है इलाहाबाद से हल्दिया को, तो राइट आंसर बी हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वप्रथम खुले में शौच मुक्त घोषित किया गया था? तो वह पहला राज्य हो जाएगा सिक्किम। कैशलेस लेन देन को बढ़ावा देने के लिए भारत सरकार द्वारा गठित समिति जो है वह कौन सा था? तो नीरज कुमार गुप्ता समिति। भारत में सेवा कर कब प्रारंभ किया गया था? सेवा कर जो है 1994-95 में प्रारंभ किया गया। भारत का संघीय बजट किसके द्वारा प्रस्तुत किया जाता है? तो वित्त मंत्री जो है के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। किस वर्ष प्रधानमंत्री ने 20 सूत्री कार्यक्रम इंदिरा गांधी के द्वारा 1975 ईस्वी में चलाया गया था? निम्नलिखित में से उत्प्लावन के साधन कौन हैं? तो उत्प्लावन के साधन देखेंगे तो ये श्रम हो जाएगा। निम्न में कौन उत्पादक हैं? उत्पादक इनमें देखें विभिन्न विकल्पों में तो ये हो जाएगा बढ़ई। अगले प्रश्नों को देखें। भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जो है किसका है? शिवहर का है 1880। कैमूर भभुआ का जो है सबसे कम है। भारत की प्रमुख आर्थिक समस्या नहीं है, कौन सी प्रमुख आर्थिक समस्या भारत की
नहीं है तो आर्थिक विषमता है, औद्योगिक विकास ये नहीं है, गरीबी है और औद्योगिक पिछड़ापन तो है ही। बेरोजगारी को दूर करने के लिए निम्न में से कौन सी योजना नहीं चलाई गई बेरोजगारी को दूर करने के लिए? IRDP, JRY और TRIGEM चलाया गया, ICDS नहीं चलाया गया। वर्ष 1943 में भारत के किस प्रांत में भयानक अकाल पड़ा था? तो 1943 में बंगाल में जो है भयानक अकाल पड़ा था। अगले प्रश्नों को देखें। लागल झुलनिया में धागा बलम गैलन कलकत्ता, गिरमिटिया कृषक मजदूरों के पलायन के आर्थिक दर्शन को समाज में कला के समग्र स्वरूप में रखने वाले लोक कलाकार कौन थे? तो ये प्रमुख लोक कलाकार हो जाएगा भिखारी ठाकुर। लगल झुलनिया के धाका बलम गैल कलकत्ता। वर्तमान में बैंकों के विलय के पश्चात कितने राष्ट्रीयकृत? तो वर्तमान में राष्ट्रीयकृत जो है 12 बैंक प्रस्तुत हैं। विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जो है जिनेवा हो जाएगा। विश्व व्यापार संगठन स्थापना 1 जनवरी 1995। सुकन्या समृद्धि योजना कितनी आयु वर्ग के लिए निर्धारित किया गया? सुकन्या समृद्धि योजना 0 से 10 वर्ष तक के लिए। भारतीय पासपोर्ट में कितने अंक होते हैं? तो भारतीय पासपोर्ट में जो है 7 अंक होते हैं। जापान की मुद्रा को क्या कहते हैं? तो जापान की मुद्रा को जो है येन कहते हैं, चीन की मुद्रा को युआन कहते हैं। अगले प्रश्नों को देखें। किसने कहा मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है? मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करती है, हॉर्टले विदर्स के द्वारा कहा गया था। खाद्य उत्पाद के वाणिज्यिक निर्माण प्रसंस्करण वितरण एवं विक्रय हेतु अनिवार्य प्रमाणन संस्था जो है ये कौन सी है? खाद्य उत्पाद के वाणिज्यिक वितरण प्रसंस्करण के लिए तो यह हो जाएगा फसाई। देश की धड़कन किस भारतीय कंपनी का आधार वाक्य है? देश की धड़कन तो यह आधार वाक्य जो है किसका हो जाएगा? हीरो मोटो कार्प का। जया दरेज कौन है? तो जया दरेज के बारे में पूछा जा रहा है तो विकल्प में है ही नहीं। अगले प्रश्नों को देखें। ICDS कार्यक्रम की शुरुआत भारत में कब की गई? ICDS कार्यक्रम की शुरुआत भारत में जो है 1975 ईस्वी में प्रस्तुत की गई। अर्थशास्त्र के इकाइयों के गतिविधियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो अर्थशास्त्र के इकाइयों के गतिविधियों का अध्ययन जो है व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। वुल्स एंड बियर्स तो ये जो है वुल्स एंड बियर जो है तेजरिया मंजरिया ये जो है किसे संबंधित है? स्टॉक एक्सचेंज से जो है संबंधित हैं। निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है दिए गए विकल्प में हो जाएगा सन फार्मास्यूटिकल और कैपजेमिनी और बुंगे इंक, तो ये सभी हो जाएगा। किस देश का विकास को समान रूप से निम्न में से किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? किसी भी देश के विकास को किस आधार पर निर्धारित किया जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय के आधार पर। 1 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में से प्रति 1000 बच्चों में मरने वालों की संख्या की दर को क्या कहते हैं? तो 1000 बच्चों में से मरने वाले जो है 1 वर्ष के अंदर बच्चों की संख्या की दर को क्या कहते हैं? तो इन्हें ही हम कहते हैं शिशु मृत्यु दर। उसके बाद जो है ज्योग्राफी के प्रमुख प्रश्नों को देखते हैं। ज्योग्राफी सेक्शन के प्रमुख प्रश्न को भौगोलिक दृष्टि से भारत का अक्षांशीय विस्तार कितना है? तो 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश में है। भारत और अफगानिस्तान के बीच विभाग तो ये जो है ड्रोन रेखा खींचा गया था लेकिन वर्तमान में पाकिस्तान अफगानिस्तान के बीच हैं। मैकमोहन भारत चीन के बीच, रेड क्लिफ भारत पाकिस्तान के बीच हैं। भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट मिर्ज़ापुर से गुजरती है तो यह कितने राज्यों से गुजरती है? 5 राज्यों से, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश आंध्र प्रदेश छत्तीसगढ़ उड़ीसा।
विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप मांजुली है, ये असम में है ब्रह्मपुत्र नदी में, और छोटा भी जो है उमानंदा वो भी असम में ही है। दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी, तो दक्षिणी पठार की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा अनायमुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची पठार चोटी जो है अनायमुदी हो जाएगा, अनामलाई की चोटी है। भारत का जागृत ज्वालामुखी कौन सा है? जागृत मतलब स्वकीय ज्वालामुखी, दो प्रकार के हैं बैरन और नारकोंडम, तो बैरन जो है स्वकीय है। अगले प्रश्न को देखें, अमरकंटक की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन नदी का उद्गम जो है अमरकंटक की पहाड़ी ही है, और नर्मदा नदी की उद्गम भी अमरकंटक की पहाड़ी ही है, तो दोनों हो जाएगा। भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील, तो भारत में सबसे अधिक खारे पानी की झील सांभर झील, जो कि कहाँ है? राजस्थान में है। काबुल लाम जाओ तैरता राष्ट्रीय पार्क कहाँ स्थित है? मणिपुर में है, विश्व का एकमात्र तैरता हुआ अभ्यारण्य। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून की आदर्श अवधि क्या है? तो जून से जो है सितंबर के बीच चलती है, तो राइट आंसर सी हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखें, उड़ीसा का चिल्का झील उदाहरण है किस प्रकार के? तो उड़ीसा के जो है चिल्का झील उदाहरण है लैगून झील का। तमिलनाडु में सर्वाधिक वर्षा किस मानसून से होती है? तो तमिलनाडु में जो है लौटते हुए मानसून से वर्षा होती है, उत्तर पूर्व मानसून से, तमिलनाडु के तट पर जो है ठंड के समय में। अंगूर की व्यावसायिक खेती को क्या कहा जाता है? तो पीसी मत्स्य, सेरिकल्चर रेशम, बीटी कल्चर अंगूर हो जाएगा, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन। देश में गेहूं उत्पादन में प्रति हेक्टेयर भारत का कौन सा राज्य अग्रणी है? तो प्रति हेक्टेयर में जो है पंजाब है, ऐसे गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश अग्रणी है। देवदार, चीर, ओक के वन किस प्रकार के वन के उदाहरण है? देवदार, चीर और ओक ये किस प्रकार के जो है वन है? तो ये हो जाएगा पर्वतीय वन है, देवदार, चीर, ओक। निम्न में से किस राज्य की जनसंख्या अत्यंत विरल है? अत्यंत विरल है जनसंख्या, तो ये हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश, यानी जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व बिहार का है। चूखा जल विद्युत परियोजना किस देश में है? चूखा तो किस देश में होगा? भूटान में है। हम्बनटोटा बंदरगाह किस देश में है? तो यह है श्रीलंका में, हम्बनटोटा बंदरगाह। PRRP का संबंध किस क्षेत्र से है? PRRP का संबंध तो यह हो जाएगा आपदा प्रबंधन से है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर, तो भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद को, उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। भारत का सबसे छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई कितना है? छोटा राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई के बारे में पूछा जा रहा है, तो यह हो जाएगा 6 किलोमीटर का है, और सबसे बड़ा जो है NH-44 है श्रीनगर से कन्याकुमारी। देश की सीमा पर सड़क निर्माण की जिम्मेदारी किस संस्था की है? सड़क की जिम्मेदारी जो है यह हो जाएगा BRO, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, स्थापना 1960 में। भारत में मोनोरेल की सुविधा किस शहर में हुई है? मोनोरेल सुविधा की शुरुआत जो है भारत में किस शहर में हुई है? तो ये मुंबई शहर में हुई है। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो ये है मध्य प्रदेश के किस जगह में है? तो ये हो जाएगा इंदौर में है। भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त कौन थे? तो भारत के प्रथम जनगणना आयुक्त जो हैं कौन थे? विकल्प के अनुसार हो जाएगा W.W. प्लोडन थे, और स्वतंत्र भारत में R.A. गोपाला स्वामी हो जाएगा। सागर तट से कितने किलोमीटर तक के महासागरीय क्षेत्र में जाने वाले संसाधन किसी देश की राष्ट्रीय संपत्ति है? कितने दूरी तक जाने के लिए है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 19.2 किलोमीटर। वान सागर जलाशय किस उद्देश्य बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का अंग है? वान सागर जलाशय तो ये किसका अंग है? तो ये हो जाएगा सोन परियोजना का है। मलेरिया की दवा कुनैन
जो है किस वृक्ष से सिनकोना के जो है छाल से बनाया जाता है। दक्षिण का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को कहा जाता है। निम्न में से कौन सर्वोच्च कोटि का कोयला है? कोयला के चार किस्म होते हैं, लेकिन सबसे उत्तम किस्म एंथ्रासाइट हो जाएगा। भारत की सबसे लंबी भूमिगत गैस पाइपलाइन कौन सा है? भूमिगत पाइपलाइन गैस पाइपलाइन तो हजीरा विजयपुर और जगदीशपुर, हजीरा विजयपुर जगदीशपुर। निम्न में कौन ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत नहीं है? ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत जो हैं नहीं है ये परमाणविक ऊर्जा, बाकी ज्वरीय सौर और भूतापीय तो हैं ही। निम्न में से कौन चाय उत्पादक राज्य नहीं है? भारत के किस राज्य में जो है चाय का उत्पादन नहीं होता है? राजस्थान में, बाकी तमिलनाडु केरल कर्नाटक में होता है। निम्न में से कौन उद्योग की स्थिति निर्धारण करने हेतु महत्वपूर्ण नहीं है? उद्योग की जो है स्थिति निर्धारण करने हेतु महत्वपूर्ण नहीं है, देखें तो क्या महत्वपूर्ण नहीं है, तो जनसंख्या महत्वपूर्ण नहीं है, बाकी बाजार ऊर्जा पूंजी ये आवश्यक है। पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय तो हाजीपुर में है, बिहार राज्य में है। बिहार में अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण NINI का क्षेत्रीय कार्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? तो ये हो जाएगा पटना में जो है स्थित है। अगले प्रश्न को देखें, भारत का लिंगानुपात कितना है? 2011 के जनगणना अनुसार 943 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुष पर। दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता को जोड़ने वाली महत्वाकांक्षी सड़क परियोजना का नाम क्या है? तो ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना है, दिल्ली मुंबई चेन्नई कोलकाता, ये जो है 5846 किलोमीटर की परियोजना है। अगले प्रश्नों को देखें, सौर मंडल में ग्रहों की कुल संख्या जो है ग्रह कितने हैं? 8 हैं। अगले प्रश्न को देखें, संगमरमर किस चट्टान का रूपांतरण है? तो संगमरमर जो है ये हो जाएगा चूना पत्थर का रूपांतरण। निम्न में से कौन मोरदार पर्वत नहीं है? तो रॉकी यूराल एंडीजियम मोरदार पर्वत है, फोल्ड है, और ये जो है सियरा नेवादा, ये मोरदार पर्वत नहीं है। अगले प्रश्न को देखें, एशिया में विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित खारे पानी की झील, एशिया में, तो ये कौन सा झील हो जाएगा? बैकाल झील। वायुमंडल गर्म एवं ठंडा निम्न में से किस विधि से नहीं होता है? तो चालन संवहन विकिरण, ये जो है प्रमुख विधियों में जो है भंजन विधि से नहीं होगा है। जाड़वा किस स्थान की जनजाति है? तो ये जाड़वा जो है अंडमान निकोबार में निवास करते हैं। लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा, लैंड ऑफ गोल्डन पैगोडा जो है किसे कहा जाता है? तो म्यांमार को कहा जाता है। पृथ्वी जिस मंदाकिनी में अवस्थित है उसे क्या कहते हैं? उसे हम मिल्की वे कहते हैं। अगले प्रश्न को देखें, सूर्य का सबसे निकटतम तारा, पृथ्वी के सबसे निकट है सूर्य, और सूर्य के सबसे निकट हो जाएगा अल्फा सेंचुरी, वो नहीं है विकल्प में, तो यह हो जाएगा प्रक्षमा सेंचुरी। दो लगातार अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी कितनी होती है? तो 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी की भूपरपटी में पाया जाने वाला मुख्य तत्व कौन सा है? भूपरपटी में पाया जाने वाला प्रमुख रूप से तत्व तो ये हो जाएगा सिलिकन, सबसे अधिक हो जाएगा ऑक्सीजन, उसके बाद सिलिकन, फिर धातु में एल्युमिनियम। जलदापारा वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? ये जो है अभयारण्य क्यों प्रसिद्ध है? हालांकि ये पश्चिम बंगाल में है, और ये जो है गैंडा के लिए प्रसिद्ध हैं, गैंडा के लिए जो है ये प्रसिद्ध हैं। तो ये था आज का मुख्य विश्लेषण, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।